दोस्तों आज जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं भाई वो है टाइजर का सेकंड बेस वेरिएंट। भाई इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं, क्या प्राइस रेंज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती हैं और क्या ये खरीदना वर्थ इट है या नहीं है, बात होगी डिटेल से। क्योंकि जो इसकी प्राइस रेंज है ना, उस प्राइस रेंज में आपको काफी गाड़ियां मार्केट में देखने के लिए मिल जाती हैं। और भाई मार्केट में अदर कंपनियां नहीं, टोयोटा में भी आपको गाड़ी देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे ग्लैंजा भी आपको सेम इस प्राइस रेंज में देखने के लिए मिलती है। तो हम ये टाइजर गाड़ी ही क्यों लें, तो बात होगी उसके बारे में भी। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखना। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर तो बनता है, और हाँ भाई चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। फ्रंट में खड़े हैं, बात करेंगे सबसे पहले इस गाड़ी की एक्स शोरूम वैल्यू से भाई, क्योंकि भाई सबसे पहले इंसान पूछता है पैसा, पैसा कितना, तभी तो मैं देखूंगा गाड़ी कि मैं लूं या नहीं लूं। बात तो सही है। तो यहाँ पे ये आपको पड़ जाती है एक्स शोरूम 8,59,500 रुपए में। ऑन रोड आते आते ये गाड़ी आपको समथिंग अराउंड पड़ती है 10 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड। भाई ये जो ऑन रोड प्राइस मैं बता रहा हूँ, मैं आपको उत्तराखंड के प्राइस बता रहा हूँ भाई, क्योंकि हर स्टेट के जो प्राइसेस हैं वो आपको वेरी करते हैं ऑन रोड के। एक्स शोरूम तो आपको ऑल ओवर इंडिया सेम ही देखने के लिए मिलता है, मतलब आपको सिखा। बाकी इसमें कुछ आपको कस्टमर बेनिफिट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। क्या 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 उसके लिए करना है क्या है भाई, जो है नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहां पे जाके उन्हें कॉल कर सकते हैं और टाइजर के रिलेटेड या टोयोटा की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हाँ मतलब कस्टमर बेनिफिट्स में चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 15-20 हज़ार के आसपास के कुछ बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पे आपको टाइजर में देखने के लिए मिल जाते हैं। क्या बात कर रहे बाबा। अब बात करेंगे फ्रंट में कि इसमें क्या क्या मिलता है। तो भाई पहले आप देखें यहाँ पे जो ग्रिल पोर्शन आपको मिलता है, ये आपको पूरा मैटी ब्लैक में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सेंटर में टोयोटा का लोगो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है साटन फिनिशिंग में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्रोमिंग का वर्क भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिर लोअर ग्रिल पोर्शन में बात करेंगे, ये भी आपको मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलती है। सिल्वर कलर में स्किड प्लेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हेडलैम्प असेंबली की बात करेंगे तो ये आपको मिल जाता है भाई हेलोजन प्रोजेक्टर में। लो बीम हाई बीम आपको यहीं पे देखने के लिए मिलता है। फॉग लैंप्स यहाँ पे जरूर आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग लाइट तो नहीं मिलती, लेकिन हेलोजन में इंडिकेटर है और यहाँ पे आपको पार्किंग लाइट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा हेलोजन। ओवरऑल चौड़ाई की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे गाड़ी की, तो 1765 mm की चौड़ाई आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हुड में कर्टन क्रीजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अगर साइड पोर्शन से देखूंगा गाड़ी को तो भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलती है। ओवरऑल लंबाई की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपको 3995 mm की लंबाई देखने के लिए मिलती है। और जो बी प्लस यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपको मिलते हैं भाई यहाँ पे मैट ब्लैक में, टेप्ड आउट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऊपर से आपको इसमें रूफ रेल देखने के लिए मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। डोर हैंडल्स बॉडी कलर मिलते हैं, विंडोज में कोई भी क्रोम गार्निशिंग का वर्क नहीं मिलता है। ओवाबियम की बात करेंगे तो भाई ये आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल दोनों मिल जाते हैं, और इसी में आपको भाई इंडिकेटर एलईडी में देखने के लिए मिल जाते हैं। टायर्स की बात करूंगा तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाते हैं स्टील व्हील रिम, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, और इसमें आपको सिल्वर पेंटेड व्हील कैप्स देखने के लिए मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करूंगा तो 195/60R16 का टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है। फेंडर में आपको क्लैडिंग का वर्क मिल जाता है जो आपको रनिंग बोर्ड्स में भी देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको डोर प्रोटेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं डोर्स में। भाई ये गाड़ी का जो लुक्स है ना, ये आपको एक क्रॉसओवर वाला फील यहाँ पे कराता है, क्योंकि गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो भी आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर व्हील बेस की बात करेंगे तो 2520 mm का व्हील बेस देखने के लिए मिलता है। और ओवरऑल हाइट की बात करूं तो भाई ये आपको मिल जाती है 1550 mm की। और रियर टायर्स में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स ही देखने के लिए मिलते हैं। कोर ड्राइवर साइड आपको इसका फ्यूल टैंक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो 37 लीटर की यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अब अगर रियर से मैं बात करता हूँ तो भाई ये देखिए गाड़ी का लुक आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो सेंटर में आपको भाई टोयोटा का साटिन फिनिशिंग वाला लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डिफॉगर मिलता है, हैमोंड स्टॉप लाइट मिल जाएगी, लेकिन भाई यहाँ पे आपको वाइपर देखने के लिए नहीं मिलता है। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये आपका रिफ्लेक्टर का वर्क करता है, यहाँ पे आपको लाइट्स देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे टेल लैंप्स की अगर बात करूंगा तो ये आपको जरूर एलईडी में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एलईडी में ही आपकी ब्रेक लाइट आ जाती है, एलईडी में इंडिकेटर है, और रिवर्स लैंप भी एलईडी में ही देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको अर्बन क्रूजर टाइजर की बेजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको इसके वेरिएंट का नाम यानी एस वेरिएंट, सेकंड बेस वेरिएंट है तो एस है। इसका बेस मॉडल जो आता है वो ई नाम से आता है। पार्किंग सेंसर्स की बात करूंगा तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स में पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, डिफ्यूजर वाला पार्ट आपको सिल्वर कलर में देखने के लिए मिल जाता है, और कैमरा वगैरह यहाँ पे आपको देखने के लिए कुछ नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। बूट स्पेस की बात करेंगे तो भाई ये देखिए यहाँ पे आपको एक तो इलेक्ट्रिक रिलीज का बटन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, और बूट स्पेस भाई आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। वैसे बात करूं तो भाई बूट स्पेस काफी अच्छा खासा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा भाई 308 लीटर का, और डेप्थ में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। बट एक चीज मुझे कमी लगी कि भाई जब आपको ग्लेंजा जैसी हैचबैक गाड़ी में 318 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने 308 लीटर का ही बूट स्पेस क्यों दिया।
बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? ये क्वेश्चन मेरा रहेगा। बाकी और यहाँ पे देखेंगे तो भाई आपको स्पेस वैसे अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पे आपको देखिए ये जैक वगैरह रखने के लिए आपको यहाँ पे स्पेस साइड से मिल जाता है, आपको ऐसे ही गाड़ी में नहीं छोड़ देना है। बाकी बूट लैंप यहाँ पे आपको नहीं मिलता, लेकिन हैंगिंग के लिए ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। पार्सल ट्रे यहाँ पे आपको मिल जाती है। जो सीट्स आती है 60-40 रेशियो में फोल्डेबल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। स्टेपनी की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है स्टील व्हील रिम। अब टायर साइज वैसे तो 16 आता है, लेकिन स्टेपनी का टायर साइज यहाँ पे आपको भाई 16 इंच का ही देखने के लिए मिलता है। ये काफी अच्छी चीज है। बहुत सारी कंपनियां क्या है ना, एक टायर साइज छोटा कर देती हैं। मतलब आपको 16 का टायर साइज अगर आपको गाड़ी में मिला है तो वैसे वो 15 का कर देती हैं, बट यहाँ पे आपको 16 का ही देखने के लिए मिलता है। मजा आया। बाकी पार्सल ट्रे यहाँ पे आपको मिल जा रही है। तो भाई बूट में कुछ इतने ही, बूट को कर लेते हैं बंद, चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब जैसे ड्राइवर साइड आते हैं तो भाई यहाँ पे आपको कोई भी चीज हटके देखने के लिए नहीं मिलती है। चलिए दरवाजा खोलता हूँ और ये देखे भाई, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको डोर देखने के लिए मिलेगा। भाई डुअल कॉम्बिनेशन है, कॉफी और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको फैब्रिक में सॉफ्ट टच मिलता है ये पूरा पूरा। 4x4 पावर विंडो का स्विच है ड्राइवर वाला, आपको ऑटो में देखने के लिए मिल जाएगा। सेंटर लॉकिंग के बटन है। ओवीएम इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल के यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बाहर से बोला था। यहाँ पे आपको डोर हैंडल देखे, ये ब्लैक फिनिशिंग में है और यहाँ पे आपको हल्का सा गोल्डन फिनिशिंग का टच देखने के लिए मिलेगा। बॉटल होल्डर स्पेस है, यहाँ पे आपको मैप पॉकेट है, स्पीकर्स की प्लेसिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और इंटीरियर की बात करेंगे तो भाई ये देखिए कुछ इंटीरियर इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। कॉम्बिनेशन सीट से मैचिंग वाला आपको देखने के लिए मिलता है भाई, ब्राउनिश और वो ब्लैकिश का यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक अलग से ऑप्शन देखिए गोल्डन वाला टच फील मिल जाता है। अब सीट्स में बात करूंगा तो फैब्रिक में यहाँ पे आपको मिलती है, और यहाँ पे आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता भाई, ये रिक्लाइनिंग का ही केवल यहाँ पे मिलेगा। ओहो, ये देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो आपका फ्यूल टैंक का लिड ओपन यहाँ से हो जाएगा, गाड़ी का हुड ओपन यहाँ से हो जाता है। यहाँ पे आपको एक पॉकेट मिल जाती है जिसमें आप वॉलेट वगैरह कैरी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, हेडलैम्प लेवलर है, और यहाँ पे आपको देखिए एसी वेंट मिलेगा जिसके आउटर में आपको कार्बन फिनिशिंग का वर्क यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं एक बार ये। तो भाई गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। और की आपको मिलती है भाई कुछ इस तरीके से, ये देखिए सिंपल सी की है। इसी में आपको यहाँ पे भाई लॉक और अनलॉक का बटन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि गाड़ी में सेंटर लॉकिंग आपको मिल जाती है। अब स्टीयरिंग व्हील की बात करूंगा तो भाई फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको सेंटर में टोयोटा का लोगो क्रोमिंग में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कॉल पिक कॉल कट के और वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में वाइपर के कंट्रोल्स है, राइट हैंड साइड में आपको हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिलते हैं। फिर यहाँ देखेंगे तो भाई स्टीयरिंग व्हील आपको टिल्ट मिलता है, लेकिन टेलीस्कोपिक यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्लस्टर भाई आपको कुछ इस तरीके से एनालॉग में देखने के लिए मिलता है। इसे ऑन करते हैं, चाबी से करेंगे, चाबी ये है और ये देखिए। तो भाई ये देखिए क्लस्टर कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका ऑन हो जाता है। व्हाइट कलर की थीम में आपको देखने के लिए मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको आरपीएम मीटर है, राइट हैंड साइड में आपको स्पीडोमीटर है, सेंटर में आपको छोटू सा एमएमआईडी डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, जिसे आप यहाँ इन दोनों से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह सारी चीजें, ओके यहाँ से एडजस्ट हो जाती है। बाकी यहाँ से भी वही चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। फिर म्यूजिक सिस्टम की बात करेंगे, यह है सेंटर कंसोल। तो म्यूजिक सिस्टम भाई आपको मिलता है यहाँ पे 7 इंच का, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। वायरलेसली कनेक्ट आपको मिलता है। नीचे आपको यहाँ पे हैजर्ड लैंप का बटन है, एसी वेंट से यहाँ पे आ जाते हैं, और याला पैटर्न पूरा आपको ये मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर का टच देखने के लिए मिल जाता है, ओरिजिनल नहीं है ये, फील है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो भाई एसी कंट्रोल मिल जाता है, जो आपको ऑटो में देखने के लिए मिलता है। और एक खास बात यही है कि भाई इसमें जो आपको एसी यूनिट मिलती है ना, बेस टू टॉप ऑटो ही देखने के लिए मिलेगी। फिर यहाँ देखेंगे तो ये देखिए भाई आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का अडैप्टर सॉकेट है, यहाँ पे आपको यूएसबी लिखा हुआ है, हाँ तो यूएसबी पोर्ट है, फोन रखने के लिए प्लेस है, और भी कुछ चीज कैरी कर सकते हैं, टू कप होल्डर का ऑप्शन है। गियर नॉब भाई आपको कुछ इस तरीके से मिलता है, 5-speed ट्रांसमिशन में मिलेगा। साइड से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये कार्बन फाइबर वाला टच देखने के लिए मिलता है। हैंड ब्रेक की प्लेसिंग है, यहाँ पे आपको क्रोमिंग का वर्क है। और डैशबोर्ड में देखेंगे तो भाई ये देखिए कुछ मल्टी कलर में डैशबोर्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे ये ब्राउनिश हो गया, ये गोल्डन हो गया, ये आपका सिल्वर टच हो गया, ये आपका ब्लैक टच हो गया। अब यहाँ पे आईआरएम की बात करेंगे तो मैनुअली एडजस्टेबल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। रीडिंग लैंप्स यहाँ पे आपको देखिए हैलोजन में मिलते हैं, माइक की प्लेसिंग है, यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे वैनिटी मिरर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो भाई ये देखिए ग्लोब बॉक्स कुछ इस तरीके से मिलता है, डिसेंट सा स्पेस है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा छोटा भी नहीं है, लाइट्स भी नहीं है, कूल्ड भी नहीं है। अब बात करेंगे कंफर्ट की, भाई कंफर्ट में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। कंफर्ट की बात करूं तो भाई हेडरूम स्पेस अच्छा खासा है, जिस हिसाब से गाड़ी में सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिक्लाइनिंग थोड़ा सा ठीक करूं, जैसे मैं ये बैठता हूं, अब जैसे इस पोजीशन में मैं बैठा हूं ना, तो मुझे गाड़ी का हुड
नजर आ रहा है। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे उठना पड़ेगा, अगर मैं ऐसे भी बैठा हूँ तो भी मुझे गाड़ी का हुड अच्छे से नजर आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस भी मुझे ज्यादा दूर तक नहीं दिख रहे हैं, जिससे कि मेरी कॉर्निंग्स अच्छे से कवर भी होंगी, क्योंकि अगर ये ज्यादा लंबे हो ना तो क्या होता है दिक्कत होती है कॉर्निंग्स में, जब गाड़ी आती है तो आपका स्पॉट जो होता है ब्लाइंड हो जाता है, तो दिखता नहीं है, तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। और अगर सीट्स की बात करूं तो भाई ये देखिए अंडर थाई सपोर्ट मुझे अच्छा खासा मिल रहा है, यहाँ पे पीछे से सीट्स का डिजाइन भी मुझे ठीक ठाक मिल रहा है, जिसमें मैं पूरा अच्छे से कंफर्टेबली बैठ भी पा रहा हूँ, कुशनिंग में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो भाई ये तो था कुछ इसके फ्रंट का, अब बात करते हैं इसकी रियर सीट्स की, देख लेते हैं वहां क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो भाई जैसे ही रियर का डोर खोलता हूँ तो वही सेम पैटर्न है जैसा आपने फ्रंट का देखा था, यहाँ पे आपको वही फैब्रिक में सॉफ्ट टच मिल जा रहा है, डुअल टोन कॉफी और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, पावर विंडो का स्विच है, डोर हैंडल ब्लैक फिनिशिंग में है, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर स्पेस है, छोटी सी पॉकेट है, स्पीकर्स की प्लेसिंग है। गाड़ी में आपको टोटल 4 ही स्पीकर्स देखने के लिए मिलते हैं, ट्विटर्स यहाँ पे नहीं आते। और भाई पीछे से इंटीरियर आपको ये देखने के लिए मिलता है कुछ, भाई सबसे अच्छी चीज एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं 3 के 3 यहाँ पे आपको, 3 पॉइंट्स में सीट बेल्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। रियर में एसी वेंट तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको भाई 12 वोल्ट का अडैप्टर सॉकेट देखने के लिए मिल जाएगा, फोन रखने के लिए प्लेस है, यहाँ पे भी आपको एक प्लेस मिल जाता है, और यहाँ ऊपर देखेंगे तो रीडिंग लैंप भाई बहुत ही सेंटर में दे दिया। गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं एक बार, और ये देखिए, तो ये देखो भाई अब मेरा जो लेगरूम स्पेस है तो अच्छा खासा है, नीरूम स्पेस अच्छा खासा मिल जा रहा है। सीट्स के पीछे मैगजीन पॉकेट तो नहीं है, को ड्राइवर सीट के पीछे भी मैगजीन पॉकेट नहीं मिलती, ये आपको हेलोजन में ही देखने के लिए मिलता है। ग्रैबिंग हैंडल यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको कोट हैंकर भी देखने के लिए मिल जाएगा। आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको इस मॉडल में देखने के लिए नहीं मिलता है, 6 टूलकिट वगैरह रखी गई है, जैक वगैरह। अब बात करेंगे कम्फर्ट की, भाई वो कैसा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो भाई ये देखिए मेरा रिक्लाइनिंग एंगल ठीक है, मैं उतना अच्छा नहीं कहूंगा लेकिन ठीक है, अंडर थाई सपोर्ट भी मुझे ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन एक बार आप गाड़ी में बैठ के जरूर देखेगा भाई पीछे की सीट्स में कि आपको कैसा फील होता है, क्योंकि मेरी हाइट जो है 5.7 है, तो मेरे हिसाब से ठीक ठीक है, मैनेजेबल है। बाकी हेडरूम स्पेस अच्छा खासा है आपको देखने के लिए मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई गाड़ी में मुझे 2 चीज की कमी लगी भाई, यहाँ पे आपको केवल 2 ही एयरबैग्स मिल रहे हैं, जैसे जहाँ आज के टाइम में आपको हर कंपनी 6 एयरबैग ऑफर कर रही है। बूट स्पेस ग्लैंजा से कम मुझे लगा भाई, 318 लीटर का ग्लैंजा दे रही है, 308 लीटर का ही दे रही है भाई, ऐसा क्यों? जोर जोर से बोल के लोगों को बता दे। तो भाई ये तो था कुछ इसके रियर का इंटीरियर, बात कर लेते हैं इसके इंजन में की, देख लेते हैं इंजन में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो भाई ये है कुछ इसका इंजन, इंजन की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, नेचुरली एस्पिरेटेड, जिसकी पावर की बात करेंगे तो भाई 89 bhp की पावर इंजन निकालता है, और टॉर्क की बात करूंगा तो भाई 113 Nm का ये गाड़ी टॉर्क प्रोड्यूस करती है, और माइलेज की बात करें तो 21.72 km का कंपनी कह रही है, बाकी डिपेंड आपकी ड्राइविंग कंडीशन, आप किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं। ब्रेकिंग्स में ABS, EBD ब्रेकर्स जैसे फीचर्स है, ट्रैक्शन में ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल रोल कंट्रोल और ESP जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। बाकी वारंटी की बात करूंगा तो 3 साल 1,00,000 km की वारंटी कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, जिसे आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। बाकी एयरबैग्स तो खैर यहाँ पे 2 ही हैं भाई अभी फिलहाल के लिए। बाकी नीचे से इंजन प्रोटेक्टर शीट है, पीछे से इंसुलेशन का वर्क है, हुड में भी इंसुलेशन का वर्क देखने के लिए मिलता है। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन, कर लेते हैं फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों हमने बात करी यहाँ पे इस अर्बन क्रूजर टाइजर के बारे में, अगर बात करें तो भाई एक बजट फ्रेंडली गाड़ी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा, अंदर से स्पेस आपको काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है, जरूरत की वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो आपको एक गाड़ी में होनी चाहिए, और 10 लाख रुपए की रेंज में आपको देखने के लिए मिल रही है। वहीं 10 लाख रुपए में अगर आप इसे देखेंगे तो भाई ये एक अलग क्लास है, ये हैचबैक क्लास में आपको देखने के लिए मिलती है, एक क्रॉसओवर वर्जन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। तो आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे 10 लाख रुपए के रेंज में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो ना तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको ऐसे बेहतरीन अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।